भदोही जिले की हर खबर देखिए सत्यम न्यूज बेग टीवी पर और सत्यम न्यूज अखबार में खबरें पढ़िए भी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैसी। आइए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं आज के इस अहम खबर से। मंडप में पहुंचे दूल्हे का चश्मा देख दुल्हन भड़क गई और शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के शादी से इनकार करते ही बराती भी इस बात से भड़क गए। दोनों पक्ष आमने सामने हो गया। इसी दौरान घरातियों ने दूल्हे को बांधते हुए पूरे बरातियों को बंधक बना लिया। मामला ज्ञानपुर के नंदापुर कावल का है, जहां रोही के पूरे भांजे बारात कावल बिंद बस्ती में गई हुई थी। जयमाल का रस्म भी पूरा किया जा चुका था। मंडप में दूल्हा पहुंचा तो दूल्हे का चश्मा देख दुल्हन भड़क गई। दुल्हन ने पूरी तरह शादी से इनकार कर दिया। काफी देर तक घराती व बरातियों में नोकझोंक कहा सुनी होती रही। दूल्हे सहित बरातियों को घरातियों ने बंधक बना लिया। किसी तरह हर्जा खर्चा समझौते के बाद घरातियों ने दूल्हे व बरातियों को रिहा कर दिया। बिन दुल्हन बरात बैरंग लौट गई। कोरोना थाना इलाके के सेमरात गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है। मौत से परिजनों सहित गांव में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि सेमरात गांव निवासी जयशंकर दुबे के दो पुत्र हैं, राहुल और प्रवीण। राहुल का 1.5 वर्षीय पुत्र कान्हा और प्रवीण का 17 माह का पुत्र कृष्णा घर में खेलते समय कूलर की चपेट में आ गए, जिससे इन दोनों मासूमों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कूलर पर विद्युत तार टूटकर गिरा हुआ था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। हालांकि दोनों मासूम बच्चों को लेकर परिजन अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मच गया। परिवार की महिलाओं का तो रो रो कर बुरा हाल था। हादसे को लेकर समूचा गाँव जयशंकर दुबे के घर पर टूट पड़ा था। भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ बदसलूकी किए जाने का मामला सामने आया है। बदसलूकी व दुर्व्यवहार को लेकर आंगनबाड़ी महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि सीएससी भदोही पर तैनात एक कर्मचारी द्वारा उन्हें कूड़ा कहा गया और उनके साथ बदसलूकी करते हुए गाली गलौज की गई है। इस बात से नाराज आंगनबाड़ी महिलाएं भड़क गई। कई महिलाएं तो बदसलूकी को लेकर रोने लगी। आपको बता दें कि भदोही जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित फाइलेरिया मुक्त अभियान के तहत सोमवार को भदोही शहर के चौरी रोड स्थित सीएससी पर आंगनबाड़ी महिलाएं दवा और उसके प्रचार प्रसार से संबंधित पोस्टर, बैनर व पंपलेट लेने पहुंची थी। आरोप है कि सीएससी का एक कर्मचारी महिलाओं को कूड़ा कहते हुए गाली गलौज देने के साथ बदसलूकी की। आंगनबाड़ी महिलाओं ने डीएम से शिकायत करने की बात कही है। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा रघुनाथपुर के ग्राम प्रधान रामजी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए पूर्व प्रधान द्वारिका प्रसाद यादव पर अवैध पट्टा करने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र में ग्राम प्रधान रघुनाथपुर ने कहा कि पूर्व प्रधान द्वारा अमरावना के प्राथमिक विद्यालय के अगल बगल सरकारी नाले की भूमि पर अवैध पट्टा कर दिया गया था, जिसके चलते प्राथमिक विद्यालय पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान ने नाले की भूमि को खाली कराए जाने की मांग की है। कहा कि पूर्व प्रधान द्वारिका प्रसाद यादव ने अपने 3 पंचवर्षीय कार्यकाल में बगैर विकास कार्य कराए सरकारी धन को गटक गए हैं। डीएम के यहां पत्र देते समय गांव के विनोद कुमार, मनोज गौतम, अनिल दुबे, शिव नारायण भी मौजूद थे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सरई मिश्रानी पसियान बस्ती में विनोद कुमार पासी के मढ़े में अबूझाल में आग लग गई। आग लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। मढ़े में रखी बाइक, सिंचाई की पाइप, चारपाई, राशन आदि सामान जलकर राख हो गया। हालांकि बाइक मामूली रूप से जली है। आग लगी की घटना के समय परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। पास पड़ोस के लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। मढ़े में अबूझाल में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। सोमवार की सुबह 11 बजे की घटना बताई गई है। सोमवार को भदोही जिले के सपाइयों ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया है। ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष विकास यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया है।
इसी तरह सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने अपने समर्थकों के साथ भदोही के MBS में पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया और सपा संस्थापक का 83वां जन्मदिन मनाया है। इसी तरह सपा नेता अनिल सिंह ने भदोही ब्लॉक के हरियाव गांव पहुंचकर बनवासी बस्ती में मिष्ठान वितरण करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया है। इसी तरह औराई, घोसिया, सूर्यामा, चौरी, कोईरौना, डीग आदि इलाकों में भी सपाइयों ने पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक जाहिद बेग, जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी, राजेश सोनकर आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस दून का पूरा गांव में शिवशंकर यादव के मढ़े में आग लग गई। मढ़े से उठी आग ने समीप रखे 60 बोझ धान व 2000 बोझ पुआल भी आग की चपेट में आ गया। बढ़ती आग को देख गांव में अफरा तफरी फैल गई। पिपरिस दून का पूरा निवासी शिवशंकर यादव के मढ़े व समीप रखे धान के बोझ पुआल में आग लगने की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को देते हुए आग को काबू करने में जुट गए। आग की चपेट में पान की बोगी भी आई है। हालांकि किसी तरह लोगों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। समय रहते ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा आग फैल जाती तो बड़ा हादसा होता। चारपाई, तख्ता, बिस्तर, गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। धान क्रय केंद्र पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते दूरदराज से आने वाले किसान बेहद परेशान हैं। गोपीगंज ककराही मंडी में संचालित होने वाले धान क्रय केंद्र से किसानों को टोकन दे दिया जाता है। टोकन पर निर्धारित तारीख के आधार पर किसान जब धान लेकर केंद्र पर पहुंचता है तो किसानों का धान टोकन के तारीखों पर नहीं खरीदा जाता, जिससे किसान धान केंद्र पर ही कई कई दिनों तक रात बिताने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों का आरोप है कि ककराही मंडी के धान क्रय केंद्र पर बिचौलिए हावी हैं, किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों ने उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए धान क्रय केंद्र पर व्यवस्था सुधारे जाने की मांग की है। सोमवार को टीकाकरण कैंप को लेकर नगरपालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पहले तो नगरपालिका परिषद गोपीगंज द्वारा वार्डवासियों व इलाके के सभासद को कोई सूचना दिए बगैर CSC गोपीगंज के कर्मियों को टीकाकरण कैंप के लिए भेज दिया। दूसरा, जिस वार्ड में कैंप लगना था वहां भीषण गंदगी फैली हुई थी। गंदगी देख डॉक्टर व टीकाकरण करने वाले कर्मी भाग खड़े हुए। हालांकि इस बीच पहुंचे सभासद आनंद मदनवाल ने डोर टू डोर लोगों का किसी तरह टीकाकरण कराया और नगरपालिका परिषद गोपीगंज द्वारा बरती गई इस तरह की लापरवाही की शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। सोमवार को भाजपा प्रदेश के आह्वान पर भदोही जिले के किसान मोर्चा द्वारा विशाल किसान जनसभा एवं ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली में पहुंचे थे। इस दौरान भदोही में भाजपा किसान मोर्चा की ताकत देखने को मिली है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार दुबे ने किया। ज्ञानपुर के GIC इंटर कॉलेज में जिले के 16 मंडलों से 275 ट्रैक्टरों के साथ किसान व भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री ब्रिजनंदन सिंह रहे। किसान जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। किसान और जनता दोनों खुशहाल हैं। इसी तरह जनसभा को भदोही विधायक रविनाथ त्रिपाठी ने जहां संबोधित किया, वहीं औराई विधायक दीनानाथ भास्कर खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली में पहुंचे थे। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस महावीरपुर गांव की पीड़ित महिला राधा देवी ने अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक पत्र देते हुए मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। राधा देवी ने कहा कि कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने मछली न देने पर परिवार के सदस्यों को मारा पीटा था और उस पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया था, जिसमें उसके पति राय साहब को गंभीर चोटें आई थी। इस संबंध में भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोमवार को राधा देवी अपने परिवार वालों के साथ SP दरबार पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। एक बार फिर सोमवार को सफाई पद के अभ्यर्थियों ने जिला मुख्यालय भदोही पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कहा कि मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश के बावजूद भी सफाई पद के अभ्यर्थियों की भर्ती
नहीं की जा रही है। सोमवार को धरना स्थल पर पहुंचे सफाई पद के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए नियुक्ति किए जाने की मांग की है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि शासनादेश का पालन करते हुए चयन बोर्ड की कार्रवाई कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। इस मौके पर राजकुमार मुन्ना, अच्छेलाल, रामलाल पासी आदि मौजूद रहे। पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन में लावारिस एक किशोर मिला है। जीआरपी पुलिस चौकी भदोही रेलवे स्टेशन ने इसकी जानकारी टीम सदस्य चाइल्डलाइन को दी, जहां टीम के राजेश कुमार व संदीप कुमार भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे। किशोर के पास एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल के जरिए पता चला कि वह बिहार के लखीसराय बेनीपुर का निवासी है तथा उसका नाम मिथुन कुमार है। जीआरपी भदोही पुलिस ने किशोर को टीम सदस्य चाइल्डलाइन को सुपुर्द कर दिया है। सोमवार को भदोही शहर के जलालपुर स्थित एक पब्लिक स्कूल में मिशन शक्ति के तहत आत्मरक्षा ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता डीएम सिंह गहरवार व स्कूल के प्रिंसिपल श्रीराम सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि महिला सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए भदोही पुलिस प्रतिबद्ध है। इसी तरह सामाजिक कार्यकर्ता डीएम सिंह गहरवार ने बताया कि हमारी टीम अब तक भदोही जिले में 7,000 से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे चुकी है। इस मौके पर ट्रेनर आदर्श शुक्ला, सुमित गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। औराई इलाके के माधो सिंह निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अनवारुल हक ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए उर्दू शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा कि भदोही जिले में बड़े पैमाने पर बिहार के रहने वाले ऐसे उर्दू शिक्षक हैं जो फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी हासिल कर लिए हैं और बाकायदा प्राइमरी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। कहा कि शिक्षा विभाग की मिलीभगत से भदोही जिले में दर्जनों से अधिक ऐसे उर्दू सहायक अध्यापक पद पर नौकरी कर रहे हैं जो बिहार के हैं और फर्जी कागजातों के जरिए वेतन ले रहे हैं। कहा कि फर्जी निवास प्रमाण पत्र हासिल करके उर्दू सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। अनवारुल हक ने बिहार के भागलपुर जगदीशपुर के पुरैनी निवासी इम्तियाज अहमद का भी हवाला दिया है। अनवारुल ने डीएम को पत्र देकर मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। कोइरौना इलाके के नगरदा गांव में चल रहे भागवत कथा के तीसरे दिन मथुरा वृंदावन से पधारे शरद महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव और उनके जीवन में अवतरित होने वाली कथा का वर्णन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कथा सुनने के लिए लोग पहुंचे थे। कथा सुन भक्तगण झूम उठे। कथा के बीच बीच जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण के नारे लगाए जा रहे थे। इस कथा का आयोजन बिरवा पहाड़पुर के ओझापुर पंचवटी समिति द्वारा कराया गया था। 7 दिवसीय भागवत कथा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम की देखरेख में मुख्य रूप से अमित ओझा, महेंद्र कुमार मिश्रा, राजन मिश्रा आदि लगे हुए हैं। सोमवार को खमरिया नगर पंचायत कार्यालय सभागार में एसडीएम औराई चंद्रशेखर ने सभासदों व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के साथ टीकाकरण को लेकर बैठक की है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सभासद अपने अपने वार्डों में टीकाकरण कैंप लगवाएं और टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नगर के मदरसा विद्यालयों के नाम स्वास्थ्य विभाग को दे दिए जाएंगे, जहां टीकाकरण कैंप लगाया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि इसमें मुकुंदपंडी प्राथमिक विद्यालय, कन्या पाठशाला मनोवीर, दारुल उलूम निशमा आदि स्थान शामिल है। बैठक में तमाम सभासद सहित कर्मचारीगण मौजूद रहे। और आई के कोठरा ओवरब्रिज के पास कई दिनों से घायल होकर एक गाय पड़ी हुई थी। गाय किसी वाहन की चपेट में आ गई थी। आसपास के लोगों ने पशु चिकित्सालय सहित जिला प्रशासन को अवगत कराया, बावजूद किसी ने सुधि नहीं ली। सोमवार को टीम बस एक प्रयास के सदस्यों ने गाय का उपचार कराते हुए भोगांव घाट गौशाला भेज दिया। टीम में अटल, विराट, सूरज, मनोज मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मर्याद पट्टी मामदेवपुर में गड्ढा खोदने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक महिला को चोटें आई हैं। इस संबंध में सद्दाम खान ने भदोही कोतवाली में शिकायत करते हुए बताया कि गड्ढा खोदने को लेकर विपक्षी पड़ोसी ने पहले गाली गलौज दी, उसके बाद मारपीट करने लगा। बीच बचाव के लिए माजिदा बेगम पहुंची तो उसे मारपीट कर घायल कर दिया। सद्दाम ने भदोही पुलिस को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।
सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने परिषदीय स्कूलों का निरीक्षण किया। इसमें जो खामियां मिली उसे तत्काल सही करने का निर्देश दिया गया। बच्चों के लिए बने दोपहर भोजन की गुणवत्ता जांच की। बीएसए ने कंपोजिट विद्यालय भकोड़ा, प्राथमिक विद्यालय भिखारीपुर, प्राथमिक विद्यालय रामरायपुर में निरीक्षण किया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय भुआजंग में एक अनुदेशक, एक सहायक अध्यापक व हेडमास्टर व कंपोजिट विद्यालय भिखारीपुर में कार्यरत अनुदेश बिना ऑनलाइन अवकाश के गायब मिले। इन सभी का वेतन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह कंपोजिट विद्यालय भिखारीपुर में दोपहर के भोजन वितरण में प्रधान अध्यापक द्वारा की गई लापरवाही मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों की पदयात्रा भदोही जिले में सोमवार को जारी रही। पार्टी के जिला सचिव मनोज गौतम व राजेंद्र प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा महरबा, चंदापुर, अजयपुर, सनगडी होते हुए बीरापट्टू में पहुंचकर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान नुक्कड़ सभा में कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से आज देश में बेरोजगारी व भूखमरी चरम पर है। इस मौके पर परवेज अहमद अंसारी, अखिलेश मौर्य, राजेश गौतम, सुबेदार गौतम मौजूद रहे। सुरियावा थाना क्षेत्र के मनापुर गेट के पास सोमवार को कुछ लोगों ने एक मुर्गा विक्रेता को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित मुर्गा विक्रेता संतलाल सरोज की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल का इलाज सीएससी सुरियावा में कराया गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि वह दुकान पर मुर्गा बेच रहा था। इस बीच मलेपुर निवासी महेश व मुनीब आए और कम दाम में मुर्गा देने का दबाव बनाने लगे। जब उसने मना किया तो उन्होंने दुकानदार को मारपीट कर घायल कर दिया। मामला संज्ञान में आते ही सुरियावा पुलिस ने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर ली है। भदोही जिले का आपका अपना नंबर वन चैनल सत्यम न्यूज बेग टीवी, आपने हमें जो बुलंदियां बख्शी उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सत्यम न्यूज बेग टीवी पर खबरें भरोसे वाली होती हैं, पूरी तरह पुष्ट कर ही हम खबरों को छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। इसीलिए हम भदोही जिले में हैं नंबर वन। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।